नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मयेकर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको लेके जाने वाले हैं रीजेंसी अनंतम में, जहां पे हम लोगों ने 2 BHK का फुल इंटीरियर वर्क कंप्लीट किया है। तो इस फ्लैट में हम लोगों ने कंप्लीट POP वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फुल फर्नीचर वर्क और पेंटिंग वर्क भी किया है और थोड़ा बहुत माइनर सिविल वर्क भी किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस लाइक के बटन दबाने से हमारा काम जो है तो और भी लोगों तक पहुंचता है, तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ डोंबिवली ईस्ट रीजेंसी अनंतम में।
शुरुआत करते हैं सेफ्टी डोर से। ये 9x4 का सेफ्टी डोर है जिसमें हम लोगों ने 4x1 का ग्रिल दिया हुआ है। सेफ्टी डोर के लिए हैंडल है और एक गोदरेज का कंप्यूटराइज्ड की लॉक है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं ये पूरा पैनलिंग किया हुआ है, 9x3 का ये पैनलिंग है। रीजेंसी अनंतर में कॉरिडोर यहाँ पे बहुत बड़ा है तो शू रैक जो है वो इजीली यहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एल शेप का एक शू रैक बनाया है, ये 4x3 का शू रैक है। और एक यहाँ पे सिटिंग भी हम लोगों ने दिया है, जैसे 1.5x1.5 का सिटिंग दी है। तो इसमें इनफ आपका पूरा फैमिली का शूज रह जाता है। तो दोस्तों आइए लिविंग रूम में हमने क्या क्या किया है आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम अभी लिविंग रूम में हैं इनके, हमें इन्हें सोफ़ा प्रोवाइड करके दिया है। ये एल शेप सोफ़ा है जिसमें आप देख सकते हैं हैंडल में जो है वो स्टोरेज भी ही दिया है और एक कप होल्डर भी यहाँ पे लिया है। और एक साइड में एल में इन्हें फुल स्टोरेज मिलता है। आपका बहुत सारा सामान इजीली इसमें फिट हो जाता है। सोफ़ा के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर टेबल प्रोवाइड करके दिया है। ये ऑनलाइन परचेस किया है कस्टमर ने, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीवी यूनिट हमने बनाया है ये 8.5x7 का टीवी यूनिट है जिसमें हम लोगों ने लूअर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो टीवी के साइड में आप देख सकते हैं राइट साइड में हमें इन्हें आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए एक शेल्फ बना के दिया है जो कि एस डिज़ाइन के शेप में है और उसमें एक स्पॉटलाइट्स भी प्रोवाइड करके दिया है। आप जो ये टीवी अभी देख रहे हैं ये इसका साइज़ है 43 इंच, उसके हिसाब से हमने इन्हें बैक पैनलिंग डिज़ाइन करके दिया जिसके पैनल के पीछे एक स्ट्रिप लाइट भी दिया हुआ है। टीवी के पीछे ये स्ट्रिप लाइट बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर यहाँ पे नीचे दो ड्रॉवर्स दिए गए हैं और इनका जो सेट टॉप बॉक्स है वो पूरा ये ड्रॉवर में हमने इन्हें वायरिंग का कनेक्शन करके दिया है जिसमें इजीली फिट हो जाता है, तो ऊपर आपका कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पे हमने इन्हें एसी पैनल बना के दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने इन्हें शेयर कर्टन्स के लिए जो कर्टन रॉड रहता है वो इजीली अंदर हाइड हो जाएंगे, ऐसा प्रोविज़न बना के दिया। आप जो ये कर्टन्स देख रहे हैं वो हमने वेंडर की तरफ से इन्हें प्रोवाइड करके दिया है। ये बाहर के जो आउटर में है वो हैवी कर्टन है और ये अंदर जो है वो शेयर कर्टन है। ये शेयर कर्टन जो है वो आप दिन में यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइट पासिंग जो है इसकी वजह से थोड़ा ईजी हो जाता है। और आपको पूरा लाइट्स अगर यहाँ पे हाइड करना है, ब्लैकआउट करना है, तो आप हैवी कर्टन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लिविंग रूम का ये जो वॉल देख रहे हो आप वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाईलाइट हुआ है। ये जो पेंटिंग्स है यहाँ पे हमारे जो ओनर है मिस प्रांजलि, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो दोस्तों ये जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं ये कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से हमने कस्टमाइज़ करके बनाया है। और ये जो डाइनिंग टेबल है वो मोस्टली कस्टमर यहाँ पे जब भी इनके गणपति का फेस्टिवल रहता है या फंक्शन रहता है तो गणपति के फंक्शन के टाइम पे ये स्पेशली यूज़ करते हैं। इसका साइज़ जो है वो 4x6 का है और इसके सामने हमने एक ड्रॉवर भी दिया है और एक कैबिनेट भी दिया है। ये जो पैसेज एरिया है इसमें हमने कम्प्लीट POP करके दिया है और इसमें एक खूबसूरत एक्रेलिक लगा के दिया है ताकि इसके कारण ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और दो हैंगिंग लाइट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे पैसेज के वॉल में यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाए ये भी मैडम ने खुद अपने हाथों से बनाई। तो देखिए इनका किचन जो है वो 8x10 साइज़ का किचन है जिसमें पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है, तो दोनों तरफ हमने इन्हें कैबिनेट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। दोनों प्लेटफॉर्म के नीचे ट्रॉलीज हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर कैबिनेट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो ऊपर पूरा 3 साइड्स में हमने लॉफ्ट बना के दिया है और यहाँ पे हमने इन्हें एक ग्लास डिस्प्ले यूनिट रखा है और उसके बाजू में फिल्टर के लिए एक प्रोविज़न भी करके दिया है। चिमनी का जो प्रोविज़न है वो हमने इन्हें बना के दिया है और ये डक्टलेस चिमनी है। जस्ट सर्विस काउंटर के ऑपोजिट में यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट के लिए, क्रॉकरी डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बना के दिए। ठीक क्रॉकरी यूनिट के बाजू में माइक्रोवेव के लिए प्रोविज़न बना के दिया है और इसके ऊपर भी एक छोटा स्टोरेज प्रोवाइड करके दिया। नीचे आप देखिए शेल्फ बना के दिए हैं ठीक प्रोफाइल लाइट के नीचे है ये, जिसकी वजह से ये हाईलाइट भी होते हैं और आपके डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं वो आराम से यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बिल्डर ने जो है वो स्लाइडिंग यहाँ पे दिया था, वो उसे हमने ट्रिम करके ठीक सामने बालकनी की तरफ रख दिया ताकि ये पैसेज बहुत ही लंबा लगे। यहाँ पे जो विंडो हमने लगा के दिया है जिसके कारण यहाँ पे बारिश का पानी भी नहीं आता है और आपके पास भी अगर ये सेम विंडो ऐसी अवेलेबल है बालकनी में तो आप भी ज़रूर कीजिए। किचन के बालकनी एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कैबिनेट प्रोवाइड करके दिया है ठीक वॉशिंग मशीन के ऊपर, जिसमें आपके बहुत सारे आइटम्स ईजिली स्टोर हो जाते हैं।
ये इनको स्पेशल रिक्वेस्ट में बॉक्स बना के दिया है, स्पेशली ब्रूम्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के नीचे हमने जो ट्रॉलीज इन्हें प्रोवाइड करके दिए हैं बोथ साइड्स में, वो 304 ग्रेड के SS ट्रॉलीज है। इसमें इसके ऊपर लाइफ टाइम नो रस्ट वारंटी आता है। तो अभी मैं इनके बालकनी में हूँ, बालकनी में ठीक सीलिंग में इन्हें PVC सीलिंग करके दिया है हमने, जिसमें दो पैनल लाइट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। तो ऐसा ही PVC हमने हॉल में और दोनों बेडरूम में दिया है, और इवन बाथरूम में भी इन्हें दिया है, क्योंकि स्टीम के कारण जो सीलिंग जो है वो ख़राब हो जाता है। तो PVC सीलिंग करने के बाद में वहाँ पे हमें इनफ लाइट्स भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं वो पैसेज एरिया है, बिल्डर ने इन्हें ग्रेनाइट प्रोवाइड करके दिया था सिर्फ। उसके नीचे हम लोगों ने इन्हें स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स बना के दिए हैं, और ऊपर आप देख सकते हो ऊपर एक लॉफ्ट स्टोरेज भी है, और यहाँ पे भी कैबिनेट है, और इसके अंदर जो है इनका MCB बॉक्स था वो इजीली इसके अंदर हाइड हो गया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट आने के लिए प्रोफाइल लाइट करके दिया है, और यहाँ पे रैक्स लगा के दिए हैं जिसमें आर्टिफैक्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो होते हैं। ये जो है वाईफाई के लिए बॉक्स भी बना के दिया है, जिसमें वाईफाई का जो राउटर वाउटर और सॉकेट्स वगैरह है वो इजीली इसमें आ जाता है। इस वॉल पे आप जो पेंटिंग्स देख रहे हैं वो ये भी हमारे मैडम ने अपने हाथों से बनाया है। तो दोस्तों पेरेंट्स बेडरूम में हमने वास्तु के हिसाब से इन्हें मंदिर बना के दिया था। ये 6x2 साइज़ का मंदिर है, जिसमें इनर में फुल एक्रेलिक यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे हमने इन्हें एक ड्रॉवर का प्रोविज़न करके दिया है, और नीचे दो कैबिनेट्स भी है, और यहाँ पे एक शेल्फ भी दिया है जिसमें पूजा आइटम जो है वो आप इजीली रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बेडरूम में हूँ, इनके मास्टर बेडरूम में। यहाँ ये 10x10 का मास्टर बेडरूम है, जिसमें हम लोगों ने इन्हें वार्डरोब प्रोवाइड करके दिया है, जिसमें बिल्डर ने जो स्पेस है वो प्रोवाइड किया था, उसमें ही हमने वार्डरोब को बना के दिया है। ये वार्डरोब का साइज़ जो है वो 9x6.5 का है, स्लाइडिंग डोर वाला वार्डरोब है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं, ये 6x1.5 का ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स का प्रोविज़न भी नीचे है। ये बेड जो है वो 6x5.5 का बेड है, और बेड के ठीक बैक वॉल में इन्हें वॉलपेपर लगा के दिया है, और इसमें 2 लाइट्स का भी प्रोविज़न करके दिया है बेड के बाजू में, जिसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नाइट में आपको कुछ रीड करना है तो आप इजीली रीड कर सकते हैं। जस्ट बेड के सामने कॉर्नर साइड में हमने इन्हें फोल्डिंग वाला स्टडी टेबल प्रोवाइड करके दिया है, लैपटॉप के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और यहाँ पे 2 शेल्फ का प्रोविज़न करके दिया है। तो दोस्तों ये जो फ्लैट है इसमें पूरा रॉयल शाइन पेंट यूज़ किया है, और फॉल्स सीलिंग भी इन्हें बना के दिया है, जिसके कारण यहाँ पे इनफ लाइट्स मिलते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट हमने 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट किया है। हेलो, माई सेल्फ प्रांजलि। नमस्कार, माझं नाव प्रतीक, मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे। सो वी बॉट हाऊस इन डोंबिवली इन 2020, बट वी गॉट अ पोजिशन अराउंड 2022 इन दी फेब्रुवारी मंथ। So we were searching around few of the options for interior designing. Actually we went through many videos in the YouTube, and we got to know JP Home Decor. When we saw the video on internet, found it very homely. So we decided to talk to them. The response was really very quick. So when they came to meet us at our home, they gave us a visit. So जेव्हा आम्ही पूर्ण घर डिझाईन करायचा प्लॅन केलं, त्यांनी आम्हाला पूर्ण प्रॉपर एक लेआउट दिलेला, की त्या लेआउटनुसार आम्ही ते सगळं मॅनेज केलं। सो डिफरंट सेक्शन्स होते घरातले जे आम्हाला मॅनेज करायचे होते, जसं TV युनिट आहे, सोफा, आमची ही पेंटिंगची एक वॉल आहे, ती पेंटिंगची वॉल, नंतर परत बेड, वॉर्डरोब आणि मंदिर। मंदिर इज द बेस्ट डिझाईन बाय देम अँड इट वॉज रिअली ऑसम। जसं जसं आम्ही त्यांच्याशी बोलत गेलो, तसं तसं आम्हाला असं खूप छान छान आयडियाज भेटत गेले, आणि तसं आम्ही मॅनेज करत गेलो। शैलेश सर आणि संतोष सर दोघंही खूप हेल्पफुल आहेत। जेव्हा पण आम्ही त्यांना अप्रोच करायचं ट्राय केलं, ते ऑलवेज अवेलेबल होते। सो खूप हेल्पफुल होतं त्यांचं जे काही त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला। आमचं एक ड्रीम होतं की आमचं एक घर असावं सुंदरसं, आणि ते आम्ही स्वतः डिझाईन केलेलं। त्यांनी आम्हाला तेवढं असं ओपननेस पण होतं त्यांना, की आम्ही स्वतः पण काही आमचे इनपुट्स देऊ शकतो, आणि त्या इनपुट्सनुसार त्यांनी ते डिझाईन केलं। खूप गोष्टी होत्या, जसं सरांना स्टडी टेबल पाहिजे होता, तसं त्या गोष्टी, म्हणजे जसं आम्हाला हवं होतं तसं त्यांनी ते डिझाईन केलं। सो वी आर हॅपी दॅट वी चोज JP होम डेकोर फॉर आर इंटिरियर। मला अजून एक चांगली गोष्ट ही सांगायची आहे की आम्ही 4 जण राहतो घरात, तर आई आणि बाबा ओल्ड एज असल्यामुळे बाबांना एक कॉम्पॅक्ट बेड पाहिजे होता, तर तो फ्रेम करण्यात आणि बनवण्यात त्यांनी खूप हेल्प केली, त्यांचे सजेशन कामाला आले, तर तो एक बेड कॉम्पॅक्ट झाला आणि स्पेस पण युटिलायझेशन खूप चांगलं झालं। हां, ॲक्च्युली ते बेडचं तर खूप कॉम्पॅक्ट झालं, आणि त्यामुळे कसं बाबांना पण एक वेगळी त्यांची स्पेस भेटली,
आणि आईंना पण त्यांचा वेगळा एक स्पेस भेटली झोपायला. सो इट इज लाईक खूप हेल्पफुल होतं, त्यांचे जे सजेशन होते रिलेटेड टू द बेड बेड ऑल्सो. आणि ते खूप चांगल्या प्रकारे स्पेस पण तिकडेची मॅनेज झाली आमच्या बेडरूमची, आणि देवघराचं पण सेक्शन होतं ते पूर्ण प्रॉपर सेपरेट झालं. आणि ॲक्च्युली एक मेन पॉईंट इज दॅट की आमचं जे काही घर आम्ही बनवलं आहे ते पूर्ण वास्तूनुसार बनवलं आहे. सो त्याचे प्लेसिंग्स जे आहेत प्रॉपरली कुठे काय असावं त्याप्रमाणे ते आम्ही ठेवलेले आहे घरामध्ये. माझा मुलगा आणि सून म्हणजे माझ्या जशी मनाला पाहिजे होती तशीच भेटली सून मला, म्हणजे मुलीप्रमाणे मी तिला मानते, माझी मुलगीच आहे ती. तर मला आपलं जसं मनासारखं त्यांना पाहिजे होतं, मी जसं बोलली होती मला मना तसं त्यांना मनासारखं घर होऊ दे, मनासारखं त्यांची सगळी इच्छा पूर्ण हो तशी इच्छा पूर्ण त्यांची झाली हेच मला ऐकून समाधान. आमचं किचन छान बनवलं, आम्ही दोघीजणी जरी जेवण बनवायला तर आम्हाला कुठलीच अडचण होत नाही, सर्व आमचे डबे वगैरे सर्व भांडी व्यवस्थित राहतात आणि आम्हाला सर्व म्हणजे जसं जर पाहिजे तसं संतोष सर आणि शैलेश सर त्यांनी जसं मनासारखं पाहिजे तसं त्यांनी बनवून दिलेलं. खूप स्पेस सेव्हिंग आहे ॲक्च्युली आणि खूप चांगलं म्हणजे प्रकारे आम्ही युटिलाइज करू शकतो आमची जी जागा आहे किचनमधली. सो सगळं प्रॉपर आहे, सगळं डबे वगैरे सगळं सामान खूप व्यवस्थित राहतं किचनमध्ये आणि खूप छान वाटतं म्हणजे प्रसन्न वाटतं किचन पण. ॲक्च्युली आम्हाला एक मेन गोष्ट सांगायची झाली तर शैलेश सर आणि संतोष सर खूप अप्रोचेबल आहेत आणि त्यांचे आयडियाज खूप चांगले आहेत. त्यांनी जे पण आम्हाला सांगितलं त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केल्या आणि आम्हाला त्याचे बेनिफिट्स खूप चांगले भेटले. सो कमिंग टू द मटेरियल्स, म्हणजे जे पण मटेरियल्स त्यांनी यूज केले आमच्या पूर्ण इंटिरियरमध्ये ते खूप चांगले होते, त्याच्यामध्ये आम्हाला काहीच इश्यूज नाही आले. आणि छोटे छोटे जे आमच्या रिक्वायरमेंट्स होत्या त्या पण त्यांनी खूप व्यवस्थितपणे कम्प्लीट करून दिल्या. सो आम्ही असं रेकमेंड करतो तुम्हाला की तुम्ही त्यांच्यासोबत भेटा, बोला त्यांच्याशी संतोष आणि शैलेशसोबत आणि त्यांना तुमचे रिक्वायरमेंट्स तुम्ही एक्सप्लेन करा. ते तुम्हाला रिझनेबल आणि अफोर्डेबल प्राईसमध्ये खूप चांगलं तुमचं घर तुम्ही प्रॉपरली रिझॉल्व करून देतील. सो आम्ही खूप रिकमेंड करतो की तुम्ही JP होम डेकोरला आणि होम विजिट घ्या त्यांच्याकडून, ते तुम्हाला येऊन सगळं एक्सप्लेन करतील सांगतील आणि खूप व्यवस्थितपणे तुम्हाला तुमचं घर करून देतील, नक्कीच तुम्हाला चांगला रिझल्ट भेटेल. जे काही काम झाले त्यापासून आम्ही खूप हॅपी आहोत, इव्हन फॅमिली पण जी काय ओव्हरऑल आली जी फंक्शन ज्यांनी पण अटेंड केलं त्यांनी खूप प्रेज केलं कामाबद्दल आणि ज्या काही आयडियाज त्यांनी शेअर केल्या, इव्हन ज्या छोट्या छोट्या रिक्वायरमेंट आहे इव्हन मटेरियल जरी कुठे काही अवेलेबल नसलं तरी त्यांनी अवेलेबल करून दिलं ज्या रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करायला. सो वी आर व्हेरी हॅपी, यू आर व्हेरी हॅपी, थँक्यू. आणि आमच्या घराचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर थँक्यू प्रतीक सर आणि प्रांजली मॅडम, तुम्ही तुमच्या घराचं काम करायची आम्हाला संधी दिलीत म्हणून त्यासाठी मी आणि संतोष तुमचे आभारी आहोत. होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया रहेगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.